राजनीति में क्या बड़े उथल-पुथल हो रहे हैं, चलिए देखते हैं राजनीतिक खबरों में। जम्मू कश्मीर से राहुल गांधी को वापस भेज दिया गया। उसके बाद एक प्रेस वार्ता की गई और उसमें जानकारी दी गई। उसी में राहुल गांधी ने कहा है कि कश्मीर में हालात ठीक नहीं है। राहुल गांधी और उनके समेत विपक्षी दलों के 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल को श्रीनगर एयरपोर्ट से वापस भेज दिया गया, जिसके बाद राहुल गांधी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में कानून व्यवस्था सामान्य नहीं है। साथ ही उन्होंने पत्रकारों से बदसलूकी का भी आरोप लगाया है। वहां पर पत्रकारों को भी धमकाया जा रहा है, पत्रकारों को स्वतंत्रता नहीं है काम करने की। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हर चीज सामान्य नहीं है, अगर सामान्य है तो हमें जाने की अनुमति क्यों नहीं दी गई, ये एक आश्चर्यजनक बात है। ना हम पत्थरबाज हैं और ना ही हम आतंकवादी हैं। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हमें खुद न्योता जम्मू कश्मीर के राज्यपाल ने दिया था और उनके न्योता देने के बाद हमने आना स्वीकार किया था, लेकिन उसके बाद जो किया गया वो ठीक नहीं है। सम डेज अगो आई वॉज इन्वाइटेड बाय द गवर्नर टू विजिट जम्मू एंड कश्मीर एंड सो आई एक्सेप्टेड दैट इन्विटेशन। द गवर्नर हैड सजेस्टेड दैट एवरीथिंग इज नॉर्मल, दैट ही वुड सेंड मी अ प्लेन to visit Jammu and Kashmir. I said that I do not need your plane, thank you, but I will accept your invitation and I will come to Jammu and Kashmir. I also took senior leaders of the opposition parties with us. We wanted to go and see the people, get a sense of what the people are going through and try and help with the situation if possible. Unfortunately, we were not allowed to go beyond the airport. In fact, it's a very sad thing, but the press people who were with us were mishandled. Some of them were beaten. It is very clear that things are not normal in Jammu and Kashmir.